أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. कुल का तर्जुमा आप सबको मालूम है। आप कह दीजिए हुआ। हुआ का माना होता है वो। ये जमीर है वो के माना में एक मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, हुआ वो। अल्लाहु अल्लाह अहदुन, अहद का माना होता है एक। अहद का माना क्या होता है? एक। कह दीजिए कि अल्लाह एक ही है। कह दीजिए कि अल्लाह ताला हर लिहाज से एक है। अल्लाहु समद, अस्समद का माना होता है बेनियाज। बेनियाज, बेनियाज का क्या माना? कि सब तो उसके मोहताज है लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं। यानी अल्लाह बेनियाज है कि सब अल्लाह के मोहताज है लेकिन अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। लम यलिद व लम यूलद। लम यलिद, ना तो उसकी कोई औलाद है। लम यलिद, ना तो उसकी कोई औलाद है, यानी ना तो वो किसी का वालिद है, ना तो उसने किसी को जना है। व लम यूलद, और ना वो किसी की औलाद है। लम यलिद, न वो किसी का वालिद है। वलम यूलद, और न वो किसी की औलाद है। वलम यकुन, और नहीं है। लहू, उसके लिए। वलम यकुन, और नहीं है। लहू, उसके लिए। कुफुवन, हम मिसल। कुफुवन, हम मिसल। अहदुन, कोई भी। अहदुन, कोई भी। इस तरह हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि वो लड़का फुलानी लड़की का कुफु नहीं है, यानी हम मिसल नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का तर्जुमा क्या हुआ? और ना ही उसके कोई हम मिसल है, और ना ही उसके कोई हम मिसल है, यानी उसके जोड़ का कोई नहीं है। तो सूरतुल इखलास की अभी तिलावत की और तर्जुमा आपको बता दिया, और ये कुरान मजीद की मशहूर सूरतों में से एक सूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बहुत से फजाइल भी बयान किए हैं। मसलन आपका एक मशहूर इरशाद है कि सूरतुल इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। सूरतुल इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को मुखातब करके फरमाया कि आप सब लोग तैयार हो जाओ, मैं आप सबको तिहाई कुरान मजीद सुनाऊं। तो सब लोग तैयार हो गए।
आप अपने घर तशरीफ ले गए, कुछ देर बाद वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास की तिलावत की, फिर अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। सहाबा ये समझे कि शायद कोई काम वगैरह पेश आया या कोई वाकया हुआ है, इसकी वजह से आप अपने किसी काम के लिए दोबारा घर चले गए और फिर वापस आएंगे और हमें तिहाई कुरानी मजीद सुनाएंगे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुमसे ये कहा था कि तिहाई कुरानी मजीद तुमको सुनाऊंगा और ये सूरह इखलास जो है ये तिहाई कुरानी मजीद के बराबर है। तो मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने सूरह इखलास की तिहाई कुरान के बराबर होने का एक मतलब ये बयान फरमाया कि ये सूरत माना के एतबार से तिहाई कुरान के बराबर है। क्योंकि दीन के बुनियादी अकायद तीन है, तौहीद, रिसालत और आखिरत, और इन तीन बुनियादी अकायद की तफसीलात कुरान मजीद में मजकूर हैं। क्योंकि सूरतुल इखलास में तौहीद का मजमून बयान किया गया है और तौहीद जो है कुरान मजीद के तीन बुनियादी उसूलों में से एक है, तो इस एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तो तिहाई कुरान मजीद फरमाया। और बाज़ दीगर हजरात ने फरमाया कि सिर्फ ऐसी बात नहीं है बल्कि इस सूरत के पढ़ने से आदमी को तिहाई कुरान मजीद के बराबर सवाब मिलता है। यानी जब कोई आदमी सूरतुल इखलास अल्लाह ताला की रजा के लिए पढ़ ले तो उसको तिहाई कुरान मजीद के बराबर सवाब मिलता है। कोई शख्स सूरतुल इखलास तीन मरतबा पढ़ ली तो उसको मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। और बाज़ हजरात ने फरमाया कि जब कोई सूरतुल इखलास एक मरतबा पढ़ेगा तो उसको तिहाई कुरान मजीद का सवाब मिलेगा। जब दूसरी मरतबा पढ़ेगा तो उसी तिहाई कुरान का सवाब मिलेगा। जब तीसरी मरतबा पढ़ेगा तो भी उसी तिहाई कुरान का सवाब मिलेगा, बाकी दो तिहाई कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से कवी उम्मीद यही है कि तीन मर्तबा सूरतुल इखलास पढ़ने से पूरे कुरान मजीद का सवाब मिलेगा। और यहाँ पे एक और बात भी समझ लें, वो ये है कि एक है कोई अमल करना और एक है उस अमल का सवाब हासिल करना। बड़ी अहम बात है, एक है कोई अमल करना
और एक है उस अमल का सवाब हासिल करना, तो इन दोनों में फर्क है। बाज़ लोग इस गलत फहमी में मुबतला हो जाते हैं, मसलन हदीस में आता है कि वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखने पे मकबूल हज का सवाब मिलेगा, या फुला काम करने पर उम्रे का सवाब मिलेगा, तो आदमी को ये ख्याल होता है तो फिर हज और उम्रा करने के लिए जाने की क्या ज़रूरत है, या आदमी तीन मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ ले तो पूरे कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। असल मकसूद तो कुरान मजीद का सवाब है, तो वो सवाब तीन मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ने से मिल जाएगा, फिर तो मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि एक है उस अमल का सवाब मिलना और एक है उस अमल का करना। उस अमल का सवाब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उस अमल को करने के जो अपने खवास और बरकात है वो आपको नसीब नहीं होंगी। इसकी मिसाल आप यूं समझ लीजिए कि आप दो रोटी खाते हैं तो उससे ताकत आती है, लेकिन कोई डॉक्टर आपको ताकत के दो कैप्सूल दे और कहे कि इसके अंदर दो रोटियों के बराबर ताकत है, कि जितने विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह दो रोटियों से हासिल होते हैं वो सब इन दो कैप्सूल के अंदर है। अब कोई आदमी चाहे कि इन दो के कैप्सूल पे गुजारा कर ले, सुबह को दे दो कैप्सूल, दोपहर को भी दो कैप्सूल और शाम को भी दो कैप्सूल जो है वो खा लिया करें, दो रोटियां खाना छोड़ दें, विटामिन और दूसरे गिज़ाई अज्जा जो इन कैप्सूल के अंदर है वो तो उसको दो रोटियों के बराबर मिल रहे हैं, तो क्या उन दो रोटियों की जगह वो दो कैप्सूल काम दे जाएंगे? वो दो कैप्सूल इन दो रोटियों की ताकत का नचोड़ तो है, लेकिन वो दो रोटियों की जगह किफायत नहीं कर सकते। दो रोटियों के साथ कैप्सूल खाओगे तो वो ताकत आएगी, अगर दो रोटियां ही छोड़ दें और सिर्फ कैप्सूल ही पे गुजारा करते रहे तो कुछ मालूम नहीं कि तीसरे दिन ताकत रहेगी या नहीं, या असल ताकत भी खत्म होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए किसी अमल का करना अलग हैसियत रखता है और उसके सवाब का हासिल होना अलग हैसियत रखता है, लेकिन उसमें कोई शुबा नहीं कि इस सूरत के अहादीस में बहुत से फजाइल आए हैं। तो मैं ये आपको बता रहा था कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि सूरतुल इखलास के अहादीस में बहुत से फजाइल आए हैं। हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलकीन फरमाई कि तुम रात को मत सोया करो जब तक कि ये तीन सूरतें सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास ना पढ़ लो। और ये बात अहादीस से साबित है और हमारे तमाम बड़े असातिज़ा का तजर्बा भी है कि इन सूरतों में अल्लाह ताला ने कुछ खास खवास रखी हैं। चुनांचे
जादू आसेब से बचने के लिए इन सूरतों की सुबह शाम तिलावत करनी चाहिए। और इन तीन सूरतों को अपनी जिंदगी का मामूल बनाना चाहिए। सुबह शाम एक एक मरतबा पढ़ लें तो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि तीन तीन मरतबा सुबह शाम इन तीनों सूरतों की तिलावत करें। और अगर इन तीन सूरतों के साथ सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी और सूरतुल काफिरून को भी मिला लें तो और बेहतर है। अगर हम इस मामूल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो बहुत सी मुसीबतों, परेशानियों, सहर और जादू के असरात से अल्लाह ताला की खुसूसी हिफाजत होगी। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। एक रिवायत में आता है कि एक सहाबी मदीना मुनव्वरा के करीब ही नमाज पढ़ाते थे। उनका अजीब मामूल था कि हर रकात में सूरतुल फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ने के साथ सूरतुल इखलास जरूर पढ़ते थे। तो उनके इलाके के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, ये भी अजीब आदमी है कि हर रकात के अंदर किसी भी सूरत के साथ सूरतुल इखलास जरूर पढ़ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से फरमाया कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उन सहाबी ने जवाब में कहा कि मुझे इस सूरत से बड़ी मोहब्बत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा इस सूरत से मोहब्बत करना तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। और हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हदीस की तशरीह में ये भी फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत करने वाले हजरात को कुछ ना फरमाया, बल्कि तिलावत करने वाले सहाबी से उनके अमल की वजह पूछी तो मालूम हुआ कि शिकायत बेजा न थी, क्योंकि उन सहाबी का अमल आम मामूल और सुन्नत से हटा हुआ था। लेकिन बहरहाल चूंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल नहीं था कि हर रकात के अंदर सूरतुल इखलास पढ़ी जाए, इसी वजह से फुकहा ने इसको सुन्नत में नहीं करार दिया। तो फर्ज नमाजों में ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सूरतुल इखलास से मोहब्बत करना ऐसा अमल है जिससे उन सहाबी को जन्नत की बशारत मिल गई, जिससे उन सहाबी को जन्नत की बशारत मिल गई। इस सूरत को इखलास इसलिए कहा जाता है कि इखलास के माना है खालिस करना, यानी अल्लाह ताला के लिए अपने अकायद और अपने आमाल को खालिस करना, यानी हर काम अल्लाह की रजा के लिए करना। तो पूरे दीन का खुलासा और नचोड़ है कि आप जो काम करो अल्लाह की रजा के लिए करो।
आपकी पूरी जिंदगी का महवर अल्लाह ताला की रजा हो। कई तफासीर के मुताले से मालूम होता है कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला के बारे में उल्टे सीधे सवाल किया करते थे। तो एक मर्तबा उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि जरा आप अपने परवरदिगार के बारे में तो बताए कि वो सोने के बने हुए हैं या चांदी के बने हुए हैं, उनका नसब क्या है। तो अल्लाह ताला ने उनके जवाब में ये सूरत नाजिल फरमाई। तो इस सूरत की पहली आयत में फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह ताला एक है। अहद का माना है यकता, तने तन्हा। उलमा ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने यहां अपने आप को वाहिद नहीं फरमाया बल्कि अहद फरमाया। आपने वाहिद नहीं फरमाया, वाहिद का माना भी होता है एक। जब अरबी गिनते हम करते हैं वाहिद इस्नानी वाहिद से शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अहद, क्योंकि अहद का माना है वो एक जिससे पहले आगे कोई गिनती ना हो, इसलिए वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाया, क्योंकि वाहिद के आगे तो गिनती भी हो सकती है। जैसे वाहिद इस्नानी सलासा यानी एक दो तीन, लेकिन अहद के साथ गिनती नहीं चलती। अहद का मतलब है सिर्फ एक, न आगे कुछ न पीछे कुछ, इसलिए अहद का तर्जुमा यकता भी किया जाता है कि कह दीजिए कि अल्लाह ताला यकता है। ऐसा यकता है कि न उसकी जात में कोई शरीक है और न उसकी सिफात में कोई शरीक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। उलमाए किराम ने लिखा है कि उर्दू जुबान में समद का तर्जुमा नहीं हो सकता। क्योंकि उर्दू जुबान का दामन जो है वो तंग है, क्योंकि उर्दू में इसका कोई मुतबादिल लफ्ज हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए करीब करीब माना होने की वजह से बेनियाज को समद का तर्जुमा में करने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हकीकत में बेनियाज ये समद का तर्जुमा नहीं है, इसलिए कि उर्दू में जब हम कहते हैं कि फुला शख्स बेनियाज है, इसका मतलब ये होता है कि वो किसी की परवाह नहीं करता, किसी की परवाह उसे नहीं है, चाहे कोई जिए या मरे वो किसी का मोहताज नहीं है और हम उसके मोहताज हैं। तो बेनियाज के तर्जुमे में ये बात नहीं होती कि वो हमारे सारे काम भी करता है, हमारी सारी हाजतें उसी से पूरी होती हैं। तो ये सारी बातें जो है बेनियाज के तर्जुमे में नहीं आती, जबकि समद का हकीकी माना यही है। क्योंकि समद का माना है वो जात जिसके सब मोहताज हो और वो किसी का मोहताज ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको किसी की कोई परवाह ना हो। अल्लाह ताला तो हमारे ऊपर माँ से भी ज्यादा मेहरबान है और बाप से भी ज्यादा मुशफिक है। माँ बाप की क्या मोहब्बत होगी जैसे अल्लाह ताला की मोहब्बत और रहमत हमारे साथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله تعالى अपने बंदों पर उससे कहीं ज्यादा मेहरबान है जितनी माँ अपने बच्चे पे मेहरबान होती है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर उससे कहीं ज्यादा मेहरबान है जितनी माँ अपने बच्चे पे मेहरबान होती है। बल्कि एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और मोहब्बत के 100 हिस्से किए, फिर उन 100 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा दुनिया में उतारा है, तो उस एक हिस्से की वजह से सारी दुनिया की माएं, चाहे वो इंसानों की हों चाहे जानवरों की हों, लेकिन अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हैं, और वो भी सिर्फ एक हिस्से की वजह से, और 99 हिस्से रहमत और मोहब्बत के अल्लाह ताला ने अपने लिए महफूज कर रखे हैं, और क़यामत के ज़ुहूर के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों को नवाजेंगे। अल्लाह ताला बेनियाज तो है, लेकिन बेनियाज होने का ये मतलब नहीं है कि उसको हमारी परवाह नहीं, बल्कि उसको तो हमसे ज्यादा हमारी परवाह है। चुनांचे हम अपने जिस्म की मशीनरी नहीं चलाते, गुर्दे मेरे हैं लेकिन उनको मैं नहीं चला रहा, दिल मेरा है लेकिन मैं नहीं चला रहा, ये दिल और गुर्दे अल्लाह ताला चला रही हैं, उनको हमसे ज्यादा हमारा ख्याल है। बसा औकात आदमी को जब कोई नियामत मिलती है तो अगर आदमी गौर करे तो पता चलेगा कि ये चीज कितने जरियों और कितने हाथों से होके आई है। अगर आदमी गौर करे तो ऐसा लगता है जैसे कई साल तक पूरा एक सिलसिला चलाया गया, फिर वो चीज उस तक पहुंचाई गई, उसको तो पता ही नहीं चलता कि अल्लाह ताला ने उसके लिए कैसा आजीम शान रबूबियत का मामला फरमाया। फिर आगे फरमाया लम यलिद वलम यूलत, कि वो ना किसी का वालिद है और ना ही किसी की औलाद है। बाद मुफसरीन ने फरमाया कि बज़ाहिर ये बात इस तरह बयान करनी चाहिए थी कि वो न किसी की औलाद है और न किसी का वालिद है, क्योंकि तरतीब तो ये है कि पहले औलाद होती है और फिर आदमी वालिद बनता है, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले वालिद होने की नफी फरमाई और फिर औलाद होने की नफी फरमाई, और वजह यह है कि बाज़ गुमराह फिरके अल्लाह ताला के बेटे होने के मुद्दई थे। चुनांचे बाज़ यहूदी कहते थे कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, और नसारा कहते हैं कि मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, और मुशरिकीन कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, इसलिए वालिद होने की नफी पहले की गई और औलाद होने की नफी जो है वो बाद में की गई। फिर आगे फरमाया वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही उसके कोई हम मिसल है, यानी अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक नहीं है, न जात में कोई उसके साथ शरीक है, न मनसब में कोई उसके साथ शरीक है, न नसब में कोई उसके साथ शरीक है, और न सिफात में उसके साथ कोई शरीक है।
शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि कह दीजिए कि अल्लाह एक है, तो इस आयत में बतला दिया कि मनसब में भी कोई अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं, न तो वो किसी का वालिद है और न किसी की औलाद है। तो अल्लाह ताला ने ये बात भी साफ बयान फरमा दी कि नसब में भी कोई अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं और ना ही उसके कोई हम मिसल है। तो अल्लाह पाक ने इस आयत में ये बात भी साफ कर दी कि सिफात में भी उसके साथ कोई शरीक नहीं, अल्लाह ताला यकता है, ना उसके साथ जात में कोई शरीक है, ना मनसब में शरीक है, ना नसब में शरीक है और ना सिफात में उसके साथ शरीक है। तो जब वो ऐसी जात है जिसके कोई मिसल नहीं और वो जात माँ बाप से भी ज्यादा मेहरबान और मुशफिक है और वही खालिक व मालिक है, तो हमें भी अपनी तमाम हाजतें और ज़रूरतें उसी से मांगनी चाहिए और उसी की इताअत करनी चाहिए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, जब मांगा करो तो अल्लाह ताला से मांगा करो और जब मदद तलब करो तो अल्लाह ताला से मदद तलब किया करो। और ये भी समझ लो कि अगर सारी मखलूक जमा हो जाए और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती, लेकिन सिर्फ वो नुकसान जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है। और अगर सारी मखलूक जमा होके तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे तो नफा नहीं पहुंचा सकती, मगर सिर्फ वो नफा जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है। इसीलिए मखलूक पे भरोसा करना या मखलूक को अपनी जिंदगी का मकसूद करार देना ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, आपको रहना तो मखलूक ही में, जाहिर है आप मखलूक के साथ रहेंगे, दाएं बाएं आगे और पीछे चारों तरफ मखलूक ही होगी, माँ बाप बीवी औलाद दूसरे रिश्तेदार और हमवतन है, उनके साथ गुजारा करना पड़ता है, हुस्न सलूक करना पड़ता है, मेल जोल रखना पड़ता है, और वैसे भी एक दूसरे की मदद करना बाइस अजर व सवाब है, लेकिन मखलूक के साथ ताल्लुक को एक हद में रखना चाहिए। सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि वही खालिक है, वही मालिक है, वही मेरी हाजत को पूरा करने वाला है। इसी तौहीद की इस सूरत के अंदर दावत दी गई है कि अपने दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस करो, अपनी इबादत को अल्लाह ताला के लिए खालिस करो, अपने मांगने को अल्लाह ताला के साथ खालिस करो। और हमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यह हदीस भी हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब मांगो अल्लाह ताला से मांगो और जब मदद तलब करो तो अल्लाह ताला से तलब करो। तो उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर मखलूक से मदद तलब भी करो तो ये समझ कर करो कि अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर से कहो कि दवा दे दो, उसको पैसे भी दो, उसका शुक्रिया भी अदा करो, लेकिन ये समझ लो कि ये डॉक्टर मुझे शिफा देने वाला नहीं है, ये डॉक्टर मुझे शिफा देने वाला नहीं है, शिफा देने वाले सिर्फ अल्लाह ताला हैं। तो जाहिर में
एक दूसरे से जाहिरी मामलात में मदद ली जा सकती है, लेकिन नजर मखलूक पे नहीं होनी चाहिए। नजर सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ताला की जात पे होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों की समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन को खालिस अपनी रजा के लिए इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।